को कोई थोड़ा अकल करनी चाहिए। कायदे आज़म का नाम लेना, ओ भाई उनके तो मुखालिफ भी कहते थे कि ही इज़ द ओनली मुस्लिम इन द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट हु इज़ अनपर्चेसेबल एंड इनक्रप्टेबल। किसको किधर किसम के साथ, मैं गांधी तो फलाना। कायद सरतापा कानून थे। ये भी हुआ कि वो पता नहीं पर पेशी के हिसाब से कोई इस तरह का मामला था, वो पहली पेशी पे ही उनका जो था उसका मसला हल हो गया, उनका जो क्लाइंट था उन्होंने पैसे वापस कर दिए। वो पीटता रह गया आपने कानून। स्टूडेंट्स मिलने आए, 5 मिनट लेट थे, आपने मिलने से इनकार कर दिया। वो बहुत ही बासूर, वो एक ऐसे आदमी थे जो अपने खिलाफ भी फैसला सुना सकते थे। तो मतलब कायदे आजम को तो ना आप रहने। हाँ, पार्टीशन से पहले एक मुसलमान ब्यूरोक्रेट ने कोई स्टेट के कोई सीक्रेट्स वगैरह कायद की खिदमत में पेश किए, आपने टोक दिया। आपने कहा तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, उसके साथ अपनी लॉयल्टी का ख्याल करो। सुभान अल्लाह, एक कैंडिडेट था कोई, ये तारीख की किताबों में, भाई मैं तो बहुत बाद में पैदा हुआ, तारीख की किताबों में लिखा है कि एक बंदे ने कहा कि मुस्लिम लीग के कैंडिडेट के खिलाफ वो खड़ा था, उसने कहा जी मैं विदड्रॉ कर लेता हूँ, मेरा अब तक जितना खर्च हुआ वो दे दो। आपने कहा अगर सूलन तुमने विदड्रॉ करना है तो करो।